हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को फिर से टेस्ट किया। लास्ट 24 आवर्स में कई बार हमने देखा उस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया। सडन हमें ड्रॉप देखने को मिला पिछले कुछ आवर्स में, एंड जो क्लोजर है डेली क्लोजर के बाद जो है ट्यूजडे ऑनवर्ड आज के दिन हमें हैवी डंप मार्केट में देखने को मिला, एंड प्राइस उसी एक्शन पे उसी जगह पे फिर से पहुंच गया जहां से हमने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखा था। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, एंड ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमें क्या स्ट्रेटेजी, अगर हम जो मैंने आपको शेयर किया क्या उसमें वो डिटेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बात करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम, सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderthe.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको दिया हुआ है जाके चेक करो। अभी उसमें वैलिडिटी मैंने बढ़ा दी है 1 वीक की, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो लोग भी फ्री में 4 आवर का क्रैश कोर्स देखना चाहते हो जाके चेक करो, उसे अप्लाई करो, उसे टेस्ट करो, एंड फिर उसे रियल मार्केट पे ट्रेड करो। कल के दिन का जो डंप है, जो आज के दिन का जो डंप है, इनफैक्ट मैं कहूंगा जो कल के दिन का मूव था, वो भी उस पर हमें दिखा है कि कैसे वो हमें बता रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है। तो जानेंगे, तो विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन हैवी रिजेक्शन, कल के दिन हमने देखा था लगभग 5% का अपसाइड मूव, आज सुबह से अभी तक हमने ऑलरेडी लगभग 6% का ड्रॉप देख लिया। तो हो क्या रहा है, मार्केट वहीं पे है, आपको पता है ये बात, कोई नई बात नहीं है। 9 मई से अभी तक हम उसी जगह पे सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि 30,000 के आसपास, 29,000 के आसपास ओवर कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यार, ये जब तक साइडवेज एक्शन से हम बाहर नहीं आते तब तक हमें मार्केट में सेफ नहीं मिलेगा एंट्री। वी नीड टू, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, वी नीड टू हैव ए टाइट स्टॉप लॉस। कल के दिन भी वार्न किया था, एंड वार्निंग का मतलब है कि आप स्ट्रेटजी वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करो, एंड आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर आपका स्टॉप लॉस हिट होने दो, रादर देन आप उसे नीचे लेके आओ डेली चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला वापस से रिट्रेसमेंट, अल्टीमेटली अभी आप देखोगे तो यहीं पे हम मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। कल के दिन के मूव के बाद हमने ऊपर का रैली देखा, एंड उसके बाद आज अभी इस वक्त हम रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर में हम कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल जोन में है। जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है वो पॉजिटिव साइड में, आई एम एक्सपेक्टिंग 0 के आसपास हमें हैवी रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जो कि अभी हम अप्रोचिंग कर रहे हैं, आने वाले डेज में हम करने वाले। बाकी के इंडिकेटर्स डेफिनेटली वहीं पे है जहां पे पिछले कुछ दिनों से बने हुए हैं, एंड RSI वापस से रीटेस्ट कर रहा है इस येलो लाइन को, और ये येलो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये येलो लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए डेली क्लोजर के बाद, अगर ये ब्रेक होता है अगले दिन नेक्स्ट 12 आवर के अंदर, अगर ये रिट्रेस नहीं होता देन वी शुड गेट अनदर फॉल बैक ऑन, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ 25,000-26,000 वो फिर से पॉसिबल हो सकता है। बट अभी भी हमें इसका सपोर्ट मिल रहा है, डेफिनेटली बात करूंगा सपोर्ट क्यों मिल रहा है शॉर्ट आवर्स पे भी, लेकिन फिलहाल वनडे के चार्ट पे हमें क्लोजर इसके ऊपर चाहिए वर्स्ट के सिनेरियो में। एंड वीकली जब कैंडल स्टार्ट हुआ था तो आपको कल के दिन देखा था हैवी मूव, एंड वो अल्टीमेटली आज सुबह होते ही वो बिल्कुल निगेटिव जोन में बन गया, ऑल दो मैकडी अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, देखो मार्केट में वॉलिटिलिटी है और ये जो रेंज है अराउंड लगभग कह सकते हो $1,000-$2,000 का, ये रेंज पिछले कई दिनों से हम मेंटेन कर रहे हैं, और जब भी ऐसा कोई मोमेंटम चलता है तो यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे ट्रेड्स बनते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है उसी वक्त तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। एंड वही चीज हो रहा है 1 आवर के चार्ट पे, आप देखोगे कल के दिन, अभी 2-3 दिन से मैं आपको ब्रेकआउट की बात कर रहा था, ब्रेकआउट मिला। हमारा टारगेट क्या था, मैंने आपको कहा था कि इसका जो अपर जोन है वो टारगेट होता है लगभग 32,000 के आसपास है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 31,800 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस है। कल के दिन अगर मैं प्राइस की बात करूं हाईएस्ट की, तो $31,737 के आसपास गया, वहां से फिर से हमें प्राइस एक्शन जो है रिजेक्ट होता हुआ दिखा, और कई घंटों तक हमने टेस्ट किया 21EMA, इंपॉर्टेंट होता है 21EMA, वो जैसे ब्रेक किया बहुत हैवी तरीके से नीचे आ गया। कहां पे आ गया, बिल्कुल फ्लोर पे, इसी जगह पे आ गया। तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले आवर्स में, वो मैं पहले बात कर लेता हूं।
अभी जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर है उसमें ऑब्वियसली साइडवेज एक्शन में रहेगा, बिलो 20 है, वी आर नॉट फेवरेबल कि हम बहुत तेजी से ऊपर जाने वाले हैं। सकोस्टिक आर एस आई एंड मोमेंटम इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे बात करूँ, रेड लाइन काफी बड़ा स्पाइक लिया, डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आपको वापस से रिट्रेसमेंट दिखेगा, यानी कि अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड करता हुआ दिखेगा। मैकडी काफी हद तक रिट्रेस बैक किया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा अगले आने वाले कपल ऑफ आवर्स, 4 to 8 hours में हम वापस से रिट्रेस करते हुए देखेंगे 30,000 के टूवर्ड्स प्राइस को। लेकिन अगर ये वापस से रेजिस्टेंस फेस करता है, मेरे लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है मैं सीएमई का चार्ट पे बताऊंगा आपको, वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। मैं बार बार पिछले 2 हफ्तों से रिपीट कर रहा हूँ, कल का जो सीएमई गैप था वो फुलफिल हो चुका है, उसकी बात करूंगा। बट 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे और चीजें जो है क्लियर पिक्चर होंगी। अब देखो 200 EMA लाइन, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन के ऊपर जाना। लास्ट टाइम ये 200 EMA लाइन 32,200 के आसपास, 300 के आसपास था, वहां पे रिजेक्शन देखने को मिला। कल के दिन हमारा 200 EMA लाइन 31,600 700 800 के नियर बाय था, और वहीं से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गाइज, अगर आप इस टाइप के ट्रेड्स ले रहे हो, हैव ए स्टॉप टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड यहाँ पे अब ये वापस से रिट्रेस हो गया, बिल्कुल फॉल बैक कर गया सेम जोन में। तो जब तक हम इस लाइन के ऊपर है, डेफिनेटली वी विल गेट अ सपोर्ट दैट इज अराउंड 29,200 के नियर बाय। जब तक हमें 4 आवर के चार्ट पे नीचे क्लोजर नहीं मिलता, वी आर सेफ। वी कैन अनदर एक्सपेक्ट कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में हम फिर से हम रिट्रेस करें इस लेवल को। लेकिन इफ यू आर एबल टू फॉल बैक, एंड अगर हम जो रिसेंट हमारा जो लो है, इनफैक्ट मैं सीएमई गैप की बात करूंगा, वहां तक 28,900 के नियर बाय का फिगर है, वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं सेफली कहूंगा 29,800 का लेवल किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है गाइस, वी आर गोइंग टू सी दैट लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सीएमई पे। डेफिनेटली अगर ये लेवल रीच होता है एंड अगर वो ब्रेक होता है एंड डेली चार्ट या 4 आवर का चार्ट क्लोजर लेता है उसके बिलो, देन इवन 25,000 इज पॉसिबल, जो कि मैंने आपको डिफरेंट चार्ट पे बताया था। अभी 4 आवर का चार्ट जो है हमारा रेड बन गया, डेफिनेटली सडन डंप है, इट कैन चेंज इवेंचुअली जैसे ही मोमेंटम लेता है। अभी लगभग 1.5 घंटे बाकी इस कैंडल क्लोजर में, लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है, बट वी हैव लूज द मोमेंटम जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। एंड इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, एटलीस्ट अगर आप कोर्स के अंदर इनरोल नहीं हो और आपके पास बाकी के इंडिकेटर्स नहीं है, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको अच्छा खासा दे रहा है। कल के दिन अगर आप देखोगे, ग्रीन लाइन जो है रेड लाइन बन गया था यहीं पे, वहीं से फ्लैट फ्लैश जो हो चुका था सिग्नल अराउंड 8:45 रात में कि यहाँ पे सेलिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड वी हैव सी सम काइंड ऑफ होल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। आप सेफ्टी देखते हो तो ऐसे ड्यूरेशन में आपको स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाना चाहिए। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा यू नो पॉजिटिव साइड में हो एंड स्टिल वी वांट टू टेक ए रिस्क, यू शुड हैव द स्टॉप लॉस नियर बाय MFA लाइन। एंड इन दैट केस ऑल्सो अगर आप ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो भी आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड ग्रो होता है। बट इवेंचुअली व्हाट हैपन कि हमारा जो भी मोमेंटम था वो लूज हो गया, वापस से हम 15 मिनट्स के चार्ट पे 200 EMA लाइन के नीचे आ गए। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर बाउंस इन कमिंग आवर्स एंड 30,000 के टूवर्ड्स हम बढ़ते हुए देखेंगे, पर 29,800 ऑनवर्ड हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस चीज को ख्याल रखना। अभी फिलहाल जो है हमारे जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था शॉर्ट मिनट्स में, शॉर्ट आवर्स के अगर मैं बात करूं तो वो अभी नेगेटिव जोन में बना हुआ है। डेफिनेटली जो इवनिंग आवर्स का वॉल्यूम बहुत मैटर करेगा, बट देर इज अ नॉट ए गुड साइन फ्रॉम अदर मार्केट एज वेल। करेंटली जो आज के दिन दिख रहा है, डेफिनेटली CPI चार्ट की बात करूं, पहला सपोर्ट सुबह होते ही टूट गया 31,200 का। डेफिनेटली उसके बाद हमने पहला फ्लोर 30,300 का लेवल टूटते देखा। सेकेंड फ्लोर यानी कि जो अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूं, वो हमारा 29,200 के आसपास सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज नियर बाय 28,500। एंड डेफिनेटली अगर हम ऊपर जाते हैं, डू रिमेंबर ये सारे लेवल हमें रेजिस्टेंस देंगे ऊपर के, एंड 30,800 विल बी द रियल रेजिस्टेंस फॉर अस अगेन, ठीक है। फ्यूचर के चार्ट पे जो कल के दिन सीएमई चार्ट पे गैप था जिसकी बात मैंने आपको कही थी गाइस, वो फुलफिल हो गया है। एंड डेफिनेटली जो है अभी भी हम वापस से जो रीसेंट जो पिछले वीक का सीएमई गैप है उस लेवल को जस्ट टेस्ट किया, अभी तक फुलफिल नहीं किया है। अनदर चांस कि हम इधर जाने वाले हैं, क्योंकि हम बार बार जा रहे हैं, तो डेफिनेटली 29,000 का लेवल जो बॉटम लेवल है $28,975 वो रीच हो सकता है। एंड अगर ये रीच करके फिर उसके बाद बॉन्स मिलता है, दैट विल बी द रियल पॉजिटिव मूव। एंड डेफिनेटली जो है कल का सीएमई गैप फुलफिल हो गया, तो हम इसे यहां से हटा सकते हैं डेफिनेटली, बट वी हैव स्टिल अ गैप हियर। एंड ऊपर की तरफ हमारा 34,500 से लेके 35,200 के आसपास गैप बना हुआ है सीएमई पे, डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो शॉर्ट एंड लॉन्ग का पोजिशन है मेंटेन है, देयर इज नो चेंज, क्योंकि प्राइस एक्शन में कोई चेंज नहीं है। बाकी के चार्ट भी आपको वहीं पे दिख रहे हैं जहां पे स्टार्ट हुआ था। एंड इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर
हिस्सा है, अभी भी स्कोप है फर्दर, जो वीकली चार्ट दिख रहा है अभी भी स्कोप है एक आध और वीक जो है हमें स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। लेकिन डू रिमेंबर, मैंने आपको जब ये ब्लू लाइन से स्लिप हुआ था, मैंने आपको कहा था 6 वीक कम से कम 215 वीक लग सकता है टू रिकवर इन दिस ब्लू जोन, एंड ब्लू जोन का टारगेट धीरे धीरे अपसाइड है डेफिनेटली विद टाइम। बट अभी इस वीक की बात करूं तो वो है 33,800 का लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर बॉन्स बाय द एंड ऑफ द वीक डेफिनेटली, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी करंट लेवल है 38,900 का लेवल, वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए 4 आवर के चार्ट। अगर वो ब्रेक होता है गाइज, वी आर गोइंग टू सी मोर डंप एंड डेफिनेटली ऑल्टकॉइन विल नॉट, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑल्टकॉइन में आपको जो स्पाइक दिखते हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन बेटर करता है। एंड अगर बिटकॉइन जो है 40,000 के बिलो रहता है ऑल्टकॉइन विल नॉट परफॉर्म, स्पेशली अगर बिटकॉइन ब्लीड करता है ऑल्टकॉइन विल ब्लीड लाइक एनीथिंग। तो वही सेम चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका रीजन है बिकॉज वी हैव स्टिल ए चांस ऑफ अनदर 2-3 वीक जो यहाँ पे आपको रीच करता हुआ दिखेगा, सस्टेन नहीं मेंटेन करने की कोशिश करेगा बट यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। 5th वीक में हम एंटर कर चुके हैं, लेट्स सी कि कैसे क्या होता है आने वाले डेज में। अभी वीक का जैसे स्टार्ट हुआ है, बट बाकी के चार्ट्स अगर मैं बात करूँ बॉलिंजर बैंड गाइज, स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि दिन का क्लोजर जरूर मिला लेकिन हम वापस से बैक टेस्ट करने के लिए नीचे आ गए हैं। करेंट लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है डेली चार्ट पे, इफ वी आर एबल टू फेल दिस लेवल on daily chart guys the first target will be $27,312 and definitely jo hai agar ye slip karta hai niche ki taraf to jo maine aapko levels bataye wo level reach ho sakta hai। to abhi hum bilkul middle zone ke bottom line ki taraf hum badhe hue hain, we need a closer and closer mein bhi lagbhag 18 ghante baki hain, 18 hours mein bahut kuch ho sakta hai you know guys, and definitely jo hai yahan pe blue zone ke andar hum abhi bhi bane hue hain, iski baat main karunga। weekend mein S&P ne kal ke din red candle banaya and definitely jo hai sideways action I'm expecting wahi cheez ho raha hai, but yahan pe 21 ema ka level hold karna important hai, we need to see ki $40,080 ka level ke niche hame closer na mile daily chart ka, agar wo milta hai then we can expect another fallback, otherwise we will bounce back towards $4,300। and baki ke charts kya kehte hain, gold is definitely slip kar raha hai, kal ke din bhi slip kiya, aaj bhi abhi positive sentiment nahi dikh raha, uska reason hai jo hamara jo market hai DXY ka wo bounce karta hua dikh raha hai, एंड कल के दिन ये वापस से हिट किया इस लाइन को अर्ली मॉर्निंग में आप कह सकते हो, एंड डेफिनेटली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड द वे वी आर मूविंग नाउ स्पेशली इस लाइन के ऊपर क्लोजर, आज का दिन जो है कल के दिन जस्ट क्लोजर मिला है, आज के दिन हम ऊपर दिखा रहे हैं, बट अगर आज के दिन का क्लोजर इसके ऊपर कहीं पे भी हो जाता है गाइज, फिर से हम अनदर फॉल बैक देख सकते हैं बाकी सारे मार्केट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आपको साइडवेज एक्शन दिखना चाहिए, अनदर फ्यू डेज आपको साइडवेज एक्शन दिखना चाहिए रादर देन ये अपसाइड जाए, बट स्टिल मैकडी इज अबाउट टू क्रॉस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से फॉल बैक करेगा, बट दिस इज एज पर जो पॉसिबिलिटीज है एज पर डिफरेंट इंडिकेटर्स, बट देर इज नॉट ए 100% श्योर शॉट, एंड वी आर टेस्टिंग अबव 21 EMA, 21 EMA के नीचे आना डेली चार्ट पे बहुत जरूरी है। अगर आपका क्लोजर 21 EMA के ऊपर मिलता है गाइज, दिस इज बैड फॉर डिफरेंट मार्केट शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 दिन के लिए। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस चार्ट डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, किस लेवल पे 47.54 का लेवल टेस्ट हो चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेजिस्टेंस अराउंड 47.69 जो पिछले एक हफ्ते से मैं बार बार बता रहा हूँ, डेफिनेटली उससे पहले रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे होल्ड करेगा, एंड इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस 47.676 का लेवल ऑन डेली चार्ट देन डेफिनेटली हम 21 EMA की तरफ हम बढ़ेंगे आने वाले डेज में। लेकिन हमें रिलीफ ऑल्ट कॉइन में नहीं मिलेगा ज्यादा, स्पेशली जो है बिटकॉइन 40,000 के बिलो चल रहा है, USDT पे डोमिनेंस चार्ट जो है बिल्कुल ही वापस से बाउंस बैक कर दिया है, सेम रीजन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू क्रॉस ओवर, बट क्लोजर मैटर करता है, तो आज के दिन का क्लोजर अगर इसके ऊपर मिलता है दिस इज बैड, बट अगर हम इसे क्लोजर से रिजेक्ट होते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट दी साइडवेज, मतलब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये साइडवेज एक्शन ही दिखेगा एंड अल्टीमेटली आपको नीचे जाता दिखेगा, बट अभी के लिए डेंजर जोन में बने हुए थे, उनका BTC चार्ट ने नीचे का लेवल हिट किया, 0.0577 का लेवल हिट किया है बहुत दिनों के बाद, दैट आई वॉन्ट यू ड्यूरिंग दिस अक्टूबर 2021 के आसपास जब मैंने आपको कहा था कि अगर आप सेफ्टी देखते हो तो इथेरियम से आप भी निकल सकते हो, ऑल दो यहाँ पे सपोर्ट है सिमिलर वे में, यहाँ पे सपोर्ट रीटेस्ट हुआ है, ये लेवल ऑफ सपोर्ट से हमें बॉन्स इसीलिए इमीडिएटली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, एंड ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन 40,000 के बिलो है एंड वी आर स्टिल
ट्राइंग हार्ड कि हम 30,000 के ऊपर मेंटेन करें। 30,000 के बिलो जितनी बार जाएंगे उतनी बार ऐसे स्पाइक देखने को मिलेंगे, एंड अगर हम 28,900 का लेवल ब्रेक करते हैं दैट विल बी रियली ब्लीड फॉर ऑल कॉइन्स। एंड डेफिनेटली इथेरियम यूएसडी चार्ट पे भी स्लिप करता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली रिप्लीकेट कर रहा है बिटकॉइन के मूव को, बट वी आर स्टिल होल्डिंग दिस लाइन। जब तक हम इस लेवल के ऊपर बने हुए हैं तब तक डेली चार्ट पे इट इज ओके, वी विल गेट अनदर बॉन्स, बट इफ वी आर एबल टू क्लोज दिस लेवल ऑन डेली चार्ट दिस विल नॉट हेल्प इन नियर शॉर्ट टर्म। एंड डेफिनेटली जो दो अनदर जो मैं कह रहा हूँ 6 से 15 हफ्ते, उसमें से 4 हफ्ते जा चुके हैं, 5th वीक है, तो हमें आने वाले डेज में भी जो है ये मोमेंटम अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ऑल दो मैंने जो आप लोगों को इंडिकेटर्स दिया हुआ वो इंडिकेटर्स जो लोग भी कोर्स में है आप लोग होपफुली उसे सही से यूज कर पा रहे हो। एंड डेफिनेटली जो है स्टॉप लॉस सिर्फ घबराओ मत, अगर आपको 4% 3% का ट्रेड मिल रहा है और अगर आपको दिख रहा है कि ये बार बार चॉपी हो गया है, यू नो ऑलरेडी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यू शुड हैव अ टाइट स्टॉप लॉस। एंड अगर टाइट स्टॉप लॉस है था तो आपका जरूर इसी जगह पे हिट हो गया होगा लगभग रात में 10:30 बजे के अराउंड में। एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद हमने थोड़ा सा मोमेंटम देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ एवरीवन नो। एंड डेफिनेटली जो है ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, हमेशा आपको हर टाइम जोन में आप नहीं रहते हो जगे हुए, डेफिनेटली हो सकता है आप लोग ने मॉर्निंग में देखा हो तो प्राइस एक्शन काफी नीचे आ चुका था, इसलिए मैं कहता हूँ टाइट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्पेशली आपका ट्रेड जब पॉजिटिव हो और ट्रेडिंग करते हो एज पर स्ट्रैटेजी। वीडियो भी आपको क्लियर कट इंडिकेटर वो इंडिकेट कर दिया कि ये गिरने वाला है। एंड डेफिनेटली जब हैवी मूव आया तो एज पर डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बता रखा वीडियोस में, वहां से भी अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखा। अगर आप सेफ्टी वाइज भी देखते हो तो लगभग 4.5% का शॉर्ट ट्रेड मिला। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में है, जिन लोगों के पास इंडिकेटर है दे विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट यस स्टिल वी नीड टू सी कि जो CME गैप पे जो गैप बना हुआ है क्या वो फुलफिल करके ऊपर जाता है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम 28,900 का लेवल ब्रेक करते हैं डेली चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे, दिस विल नॉट हेल्प बिटकॉइन टू यू नो मूव अबव, रादर देन हम नीचे जाएंगे टूवर्ड्स 25,000 इन अनदर शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, ठीक है। वहीं अगर ये बॉन्स ले लेता 28,900 से तो फिर से हम इसी जगह पे प्राइस एक्शन देखेंगे एंड वापस से हम रीटेस्ट करते हुए देखेंगे 33,000 के टूवर्ड जो है प्राइस को। तो बात हो गई आज के जो भी एनालिसिस था, जरूर जो है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियो के बेसिस पे या फिर बाकी इंडिकेटर्स जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है कोर्स के अंदर उसके बेसिस पे, गाइस हैव अ टाइट स्टॉप लॉस। यू नो कि मार्केट चॉपी है एंड चॉपी में अगर पॉजिटिव कोई ट्रेड है तो उसमें टाइट स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हिट होता है तो आप सेफ्टी वाइज पॉजिटिव वे में क्लोज कर पाओ ट्रेड को। एंड अगर वहीं जो है चांसेस होते हैं ऊपर जाने के तो वी विल हैव द अनदर चांस टू टेक एन एंट्री, क्योंकि चॉपी मार्केट है, वी विल गेट अनदर टाइम फॉर एंट्री। तो डेफिनेटली मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अभी मार्केट सेफ, अभी भी जो है अनसेफ जोन में है। डेफिनेटली जो है नेक्स्ट जो है कपल ऑफ वीक इज स्टिल स्ट्रगल फॉर, बट यस वी हैव टू सी कि कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है इन कमिंग 2 वीक्स, बिकॉज जो 1st वीक था जून का वो जा चुका है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ से मैं उम्मीद करता था, मैं ये बात को लगभग 15-20 दिन से कह रहा हूँ कि 2nd वीक ऑनवर्ड हमें प्राइस एक्शन में ज़्यादा बेटर मूव दिखे, कल के दिन दिखा लेकिन वो अभी सस्टेन नहीं किया। तो वी नीड टू सी कि CME गैप फुलफिल करने जा रहा है उसके बाद बॉन्स मिलता है या नहीं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।